आप सबका फिर से स्वागत है मेरे शो पर जो है रिनम्स प्रेजेंट एंड कही बातें जिंदगी की, जहां मैं आप सबको रूबरू कराऊंगी प्रदेश के जाने माने हस्तियों से, साथ ही साथ ऐसे आम लोगों से जिनकी कहानियों को सुनकर आप मोटिवेट और इंस्पायर हो पाए। और साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ, ये जो शो है वो ये कोई फॉर्मल शो नहीं है, फॉर्मल टॉक शो नहीं है, कैजुअल ही रहेगा। और यहाँ पे हम दिल से दिल की बातें करेंगे। ऑलरेडी फ्रेम में आप देख ही रहे होंगे, एक सुंदर सा लेडी हमारे साथ बैठी हुई है, तो आज उनसे मिलेंगे और उनकी कहानी जानेंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि हम क्यों सब्जी मंडी में बैठे हैं, तो हम चाहते थे कि इंटरव्यू यहीं लिया जाए, क्योंकि आई डोंट वांट दैट कि आंटी का एक दिन भी लॉस में जाए हमारी वजह से, इसीलिए हम लोग सीधे यहाँ आए। दो उनके बहू आई हुई है, फिर भी हमने सोचा कि उनके यहाँ जो जगह है जहाँ पे वो बैठकर सब्जी बिक्री करते हैं, वहीं में बैठकर ही हम इंटरव्यू लें, ये एक कारण था। और मैं बताना चाहूँगी कि देखने में बहुत आम है, लेकिन जब आप उनकी कहानी जानेंगे आपको लगेगा कि आम इंसान भले ही देखने में आम है, लेकिन उनका कहानी में काफ़ी दम रखती है। तो सीधे उनसे मिलेंगे और उनसे उनकी बातें जानेंगे। सबसे पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये इनफॉर्मल कैजुअल टॉक है तो आंटी ही कहूँगी, मैं मैम नहीं कहूँगी। तो आंटी, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे शो पर, और शुरुआत तो आप करना चाहेंगे आपके नाम से, आप कहाँ से हो और आपके फैमिली में कौन कौन है वो जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है रेना यार, और हम करों को मैं अभी किरा दादी हो गया, किरा दादी तीसरे का है, और सरको रही मस्ती जी, इधर ईटानगर में इधर में आया। मेरा बच्चा, चार बच्चा है, दो तीन लड़का एक लड़की है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हम आंटी को आप सबसे मिला रहे हैं, तो मैं खुद आंटी को ऑलमोस्ट आई गेस 5 से 6 इयर्स से जानती हूँ बहुत, और बहुत ही मेहनती है। और ये शो ही हमने इसलिए बनाया था कि हम लोगों को इंस्पायर कर पाए, क्योंकि अरुणाचल में देखते ही देखते काफ़ी सुसाइड्स और जो डिप्रेशन एंग्जाइटी का जो पेशेंट्स है बढ़ते ही जा रहे हैं मेंटल इलनेस को लेकर। तो आंटी के बारे में हम जानेंगे। आंटी, जैसे आपने कहा कि आप कुरुकुमे से हैं, तो कब आप ईटानगर आए, आप क्या करती हैं वो भी बताइए लोगों को। हम 91 में आया था, 91 में आकर हम 91 में आकर मेरा बहुत ये खाने पीने वो रहने के लिए कुछ भी नहीं था। हम कश्ती से आकर इधर में अपना बच्चा को बुक कर जंगल जाकर फिर इस तरह में बच्चा बके, उस तरह में टुकड़े बुकेगा सब्जी ले, सब्जी तिप कर बम्बू काट कर बिक्री करके बच्चा को पाल रहा था। जैसे इतना सुनने के लिए जगह, इतना बारिश भिज रहा था। उसके बाद में हम एक दिन बच्चा को इधर में घुमाए, गंगा मार्केट में इधर आए, आकर घुमाए, नॉन ट्रेवल दो तो नपानी था, उसको हम पूछपाछ किया, दीदी लोग आप लोग ये बिक्री कर कैसे करता है, ये इसको कहाँ से लेता है, इसको कितना बिक्री करेगा, लाभ होता है, ऐसा पूछा। तो ओ ये नपानी दीदी दोनों जो बोला लाभ होता है सेल होने से, सेल नहीं होने से लॉस होता है बोला। तो हम होगा, हम भी करके देखेगा। मेरा पास में 40 रुपया था, हम 40 रुपया को दूसरे दिन में उस समय में 2 रुपया तो एक टुकड़ी मिलता था, वो सब्जी मिला था। हम 40 रुपया में हम सब्जी लेकर बिक्री करके ये बरामदा में, दूसरा का बरामदा में बेच रहा था। बेच के शाम को हिसाब किया, मेरा 40 रुपया जो 80 रुपया हो गया, हम इतना खुशी हो गया, अया ये तो लाभ है बोलकर इतना खुशी से हम ये बिक्री करने का शुरू हो गया। और बेचने का जगह नहीं है, कभी बगाता है मत बतो, इधर में दुकान शाम कस्टमर दिख दे रहे मत बतो, काल से मत बतो और नहीं देता है, तो हम बेचने का जगह नहीं है, फिर बेच लेता है, फिर बगाता है, बगाता बगाता हम तो क्या करेगा। आया हम पहले तो बहुत ये बगाते बगाते पहले में बहुत कष्ट था, ये हम जिसु को नहीं जाना था ना, अब जिसु को जानने बाद हम बर्दाश्त कर गया, पहले जिसे होने से झगड़ा पेशा होने था। हम
91 से जिसु को जाना है तब से हम झगड़ा नहीं करता है, अभी तक झगड़ा नहीं करता है, इतना साल इसी वो हम प्रार्थना करता है, हमको आज दिन में बेचने दो, आज दिन में वो आदमी को आप जिसो हमको दया करो, दया करके उसको हमको बेचाना दो, प्रार्थना करके देता है, फिर भी भगाते रहता है, हम क्या करेगा उसका, कितना भगेगा वो, यहाँ कान शर्म भी लगता है, गुस्सा भी लगता है, हम झगड़ा करना दिल नहीं है उसका। हम एक जगह में उधर में गंगा अभी गंगा मार्केट नाम ले लिया, उस समय में गंगा मार्केट नहीं था, वो जुलंग रास्ता में वो गंगा बजर था, उसमें हम घुस गया, घुसा तो पूरा भूखा भूखा है, भूखा भूखा में हम सोचा है जो भी होना चाहिए एक जगह कोई बिस्तर नहीं हो हम बेच लेगा बोलकर, इधर का गिट्टी वाले बुकने बुक रखने वाला पे हम लेकर उधर में पास से टुकड़ी रात भर बुक उधर में पूरा फिलिंग करके उसका ऊपर में प्लास्टिक बिछाया, बिछा कर हम ये गंगा मर के अंदर में हम भोजन में हम बिक्री किया, बिक्री करने बाद में पूरा बुका हो गया, बुका गया, हम तो ये जंगल काम काम बहुत स्मार्ट है, लड़का से भी ज़्यादा काम करता है, हम वो अभी पुलिस कैंप था ना उसमें वो लोग ये कैंप नहीं था पूरा जंगल था, उधर में जाकर हम दाऊ लेकर बड़ा बम्बो चार तो खींच कर आज कस्टमर को बिछा दिया रास्ता जाने के लिए, जाने के लिए आने के लिए बिछा कर तब समय में हम उधर में कस्टमर भी आ गया, मेरा बम्बो बिछाने वाला भी पूरा लाइन लाइन करा हो गया, उसमें हम पूरा सब्जी लेकर हर दिन भी या हमको ये भगवान जो हमको देखा रहा है ये जगह को, हम अभी हमको कोई भगाने वाला नहीं होगा, हम खुशी से उधर में बैठ कर काम कर करके उधर में गंगा मार्केट को एक लास्ट में ये दो साल का बाद में दो औरत आ गया, हम अकेला करा था, दो साल बाद में एक बिकी अचुंग गेदा ही ना दोनों आया था, वो दोनों को हम इतना खुशी हो गया होगा साथ में बेचेगा बोलकर खुशी होकर बेतो बेतो बोला, उसका बाद में ये आठ साल सात साल का बाद में ये और एक 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 आकर बेच गया, हम होगा बेतो सब हम लोग एक साथ में बेचेगा सोचकर हम ये मार्केट में हम मिशन सबसे गंगा मार्केट में सब्जी बिक्री कर शुरू करने वाला हमें शुरू किया था, ये मार्केट को ऑक्यूपाइड करना हमें था, हम अभी का जैसे होने से हम लोग लेना था, हम लोग ये मालूम नहीं होगा नहीं लेना था नहीं अलॉटमेंट भी नहीं लिया होगा, आपके दोस्त लोग को बुला बुला के बेटा के हम वो मार्केट को खोलने वाला हमें ये शुरू करने वाला, उसका बाद में हम लोग हम मेरा बच्चा क्या करेगा बोलकर बच्चे हम बाहर नहीं निकलता है, इसे सब्जी में बेचते बेचते सब्जी बिक्री करते करते बच्चा चारों को पुराया, बच्चा लोग भी इतना अच्छा है, माँ बात मानता है, अपों सपों बिना सदा कुछ भी गिना चीज नहीं करता है, जैसे हम बोले ऐसे बच्चा लोग एकदम अच्छा से मेरा सबका सब सब जितना भी आपका जो बच्चे हैं उनको आप लोग आपने सब्जी बिक्री करके ही पूरा कॉलेज एजुकेशन वगैरह दिया आपने? हाँ हम तो कोई भी नहीं है, हम सब्जी बिक्री करके बच्चा को पूरा सब ग्रेजुएट कर दिया, अभी तो बच्चा लोग नौकरी भी नहीं है इसे बेच गया, फिर हम सोचा अरे मेरा बच्चा पूरा करने से ऑफिसर बनने से हम लास्ट में हम तो बहुत आराम होगा सोचते, हम इतना दिन रात दिन को भी रात को भी सोता नहीं है, दिन में ये का सब्जी ये व्यापारी करेगा रात को मती करनेगा गौर बनाएगा, इसे करके कर मेरा बच्चा बड़ा होने से मेरा हम एक दिन आराम हो जाएगा सोच सोचकर काम किया, बच्चा को पुराया लिखाया अभी तक कुछ नहीं हुआ है, होगा ऊपर वाला का इच्छा होगा, और ये इसे करके हम सब्जी बिक्री कर करके करके ये गंगा मार्केट को किया, उस दिन जो एक आदमी उधर नापने आया हम भगाया, अब किसने नपाए बोलकर ना पूछपाछ करके वो लोग को हम भगा दिया, अब क्यों आया है कहा तुम कौन से दीपर में नहीं बोलकर हम लोग इधर में हम लोग का जगह है बोलकर हम लोग आर्गुमेंट करके उधर में इसमें छिट्टी में ये वो लोग प्रति को हम लोग झगड़ा पेशाब किया, वो लोग को ठीक से गला गाली खाया, उसके बाद ये डीसी साहब ने हम लोग को बुलाया, बुला कर या इसे मत करो मेरा बात मानो, आप लोग को गौर को नहीं ये गौर बना देगा, गौर को बना देगा, आप लोग जितना 60 आदमी है 60 फ्लोर को आपको सीट अलॉटमेंट देगा, आप लोग ये मेरा बात मानो, इसे बोला है हम लोग विश्वास नहीं है आप लिखना पड़ेगा लिखाली करना पड़ेगा बोला, वो होगा हम लोग चार डिपार्टमेंट जो म्यूनिसिपल आईमा और ये इस्तेमाल सिटी डीसी बैठ कर हम लोग लिख देगा बोला, तब हम लोग मान गया मान होगा आप लोग बनाओ, तब तो बना बात में गौर पर नहीं करना है बोलकर डीसी जो बना देगा बोला, हम लोग मान गया, मानने बाद में अभी गंगा मार्केट में
अभी ये हम लोग का अन्नाया का ओमिंग ग्रुप सोसाइटी और ये गंगा मार्केट वही लोग अभी उसका वही सोसाइटी से अभी ऑफिस देगा, ऑफिस देगा वही सोसाइटी से हम लोग रिन्यू करके अभी पूरा इंडिया में ये नेशनल ये ना हम मेरा बहन लोग लिया उसको अभी इधर में ऑफिस देगा। इसलिए मेरा लाइफ में कितना तकलीफ कितना कष्ट करके ये मार्केट में साथ दिया मेरा अभी इधर का बिजनेस अच्छा हो के बहुत आदमी तक ये नहीं हो के कोई लोग निकल गया हम बुरी तक कोई लोग करके आधा करके आधा ना 5 साल 6 साल करके पैदा नहीं बोल कर चला गया हम बुरी तक बेच के बिक्री करके अभी हम मेरा अपना बेचने के लिए घर बना लिया अपना रेंट बना लिया अपना बच्चा के लिए पूरा नौकरी कुछ नहीं है होने से भी पूरा लिखा पूरा पूरा कर दिया ये बेच के हम ये काम पे किया। और जो लोग समझते हैं कि काम जो प्रोफेशन को लेकर जो भेदभाव करते हैं उन्हें बता दूं कि आंटी ने सब्जी बिक्री करके आंटी खुद ने बताया कि ना वो एजुकेटेड है इवन दो उन्होंने ईटानगर में अपने लिए प्लॉट खरीद लिया जमीन ले लिया नॉट ओनली जमीन उन्होंने घर भी वहाँ पे बना लिया ना आंटी। उसके बाद में उनका जो 4 बच्चे थे उन्हें पढ़ा लिखा कर सब चीज़ जो होना चाहिए बच्चों को जो पेरेंट्स की तरफ से जो मिलना चाहिए वो आंटी ने अकेला ही किया। और जो लोग ईटानगर आते हैं वो तो ऑब्वियसली जानते होंगे जो गंगा का डेली मार्केट है वो कौन नहीं जानता है। अभी के समय में वो डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव जो प्रॉपर वैसे बिल्डिंग बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं आंटी के वजह से ही है कह सकते हैं। और आंटी अभी इन टोटल कितना साल हो गया होगा कुरुंग घूमे से यहाँ ईटानगर आया हुआ? हम ये 92 में आया था 91 में आना जाना कर 92 में इधर में तब से यही है यही तो 30 साल ज्यादा हो चुके हैं। तो 30 साल में अभी आंटी ने बहुत हंसते हंसते उन्होंने बता दिया कि बहुत सारा तकलीफ है लेकिन बहुत ब्रीफली बताया लेकिन आई नो कि आंटी आप बता रहे थे ना कि आपका बस्ती से तामिन तक कितना दिन का उसके बाद यहाँ आना वो थोड़ा सा बता दीजिए ना। हम लोग का बस्ती थे तामिन से ये लड़का लोग 2 दिन लगता है और लोग 3 दिन लगता है फिर भी हम अपना बस्ती में खेती बाड़ी करके खाने पीने मिलता है फिर रुपया पैसा नहीं होता कपड़ा पहनने का नहीं होता है इसलिए हम होगा हम उधर जाएगा टाउन में जाकर देखा बोल कर अपना बच्चा को इधर में एक भुकेगा इधर पेट में एक भुकेगा। मेरा निस्तार जो पेट में 2 महीना का बच्चा के बाद में मुर गया चला गया गुजर गया उसके बाद मेरा बच्चा कोई भुकने वाला नहीं है इधर में एक भुकेगा इधर में एक भुकेगा इधर में एक भुके 3 बच्चा भुके हम बस्ती से 2 दिन पैदल आकर तमी में पहुँच गया तमी से पहुँच कर एतानगर में आया एतानगर में आकर उधर का जितना दुख तकलीफ जितना है कष्ट अपना से गौर बनाया अपना से बीरा बनाया अपना से खेती करता है अपना से गाछी गिराया इसे कर करके कष्ट से उधर से निकाल कर इधर आ गया। उसका ये सब्जी बिक्री करने के वजह से हम बहुत ये अभी इतना अपना से आप दूसरा के लिए बहुत ये इतना छोटा है मेरा लिए बहुत बड़ा नहीं आंटी बहुत बड़ा है बहुत बड़ा बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि आंटी का जो कहानी है आप सब तक पहुंचे क्योंकि बहुत लोग हैं अभी भी माइंडसेट हमारे अरुणाचल प्रदेश में कि काम को लेकर बहुत डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन अभी के समय अगर मैं खुद का भी एग्जांपल ले लूं कि अभी तक बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट लेकिन अभी तक खुद का घर नहीं है लेकिन आंटी ने सब्जी बिक्री कर 30 सालों में ईटानगर आने के बाद में अपना घर बना लिया बच्चों को पढ़ा लिया शादी भी करा दिया आंटी। और बाद में मैं दिखाऊंगी जब आप ये देखोगे उनका जो क्या कहेंगे डॉटर इन लॉ उनका जो बहू है वो भी अभी यहाँ बैठे हुए हैं उनको उनका भी बाद में आप डाल देंगे। आंटी ये तो था जो हम आपका जो लाइफ ना उसके बारे में जानना चाहता था। अभी अभी यहाँ में जो जितना भी औरत है ना आपका साथ है जो 60 आप बोल रहे थे 60 औरत लोग है और जो भी जो अभी का समय में अरुणाचल में बहुत ऐसे है कि हार मान जाते हैं कुछ कुछ करके ना नहीं हो रहा आप तो हार नहीं माना है इवन तो अभी भी हार नहीं मान के आप काम कर ही रहे तो बहुत लोग ऐसे है कि कुछ कुछ चीज़ लाइफ में कुछ कारण से जैसे पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ फैमिली में कुछ हुआ या फिर करियर ना जॉब वगैरह में कुछ नहीं हुआ बोल के डिप्रेशन में चला जाते बीमार हो जाते हैं दिमागी बीमार होता है ना वो हो जाता है या फिर कोई सुसाइड कर लेता है थक के अभी देखो ईटानगर में इतना सारा सुसाइड भी हो रहा है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है जो ये शो देखेगा
आपका तरफ से आप कुछ बोलना चाहेगा उनको, कुछ मैसेज या फिर कुछ बोलना चाहेंगे? उसका ये बेटा बेटी लोग आजकल का जितना होने से आदमी आदमी का जीवन में जितना जिएगा इतना दुख आएगा, तकलीफ आएगा, दुख तकलीफ, खाना पीना तो अपना मैनेज करना पड़ेगा, दुख तकलीफ तो ये करना पड़ेगा, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा। हाथ पाओ भगवान जो आपको अंधा होने से अलग बात है ना, हाथ दिया, पाँव दिया, आँख दिया, दिल दिमाग दिया, अपना से मैनेज करने से जो भी ये कोई लोग नौकरी कले बात बहुत करता है, नौकरी नहीं होने से जो भी होने से भी अपना मैनेज से कर कर खाना जो चाहिए का कर, अपना माँ पिताजी अपना का ये गौर फैमिली को देखना है उसको नहीं देखने पर काम का सुस्ती से इसे नहीं होना चाहिए, पूरा मैनेज करना, मैनेज करने से आपका जो भी करने से भी ईटानगर में जो भी करने से भी आप जितना काम करेगा ना, जंगल जाओ लकड़ी काटो पैसा, और जंगल जाओ बम्बू काटो पैसा, जंगल जाओ ये सब्जी तोड़ो पैसा, ईटानगर में इसे ईटानगर जो ईटानगर में नहीं होने से भी जहाँ भी होने से भी डिस्ट्रिक्ट में होने से भी काम करके तो कहना है। पहले ये जितना जिनोरेशन में कितना आदमी लोग देता है वो लोग तो मैनेज करके खेती करके पहाड़ खेती काट कर पूरा भूखा प्यासे होने से भी बर्दाश्त होकर इतना आदमी आगे बढ़ाए, जाति इतना बड़ा बड़ा जाति हुआ वो तो सुविधा नहीं होने से भी मैनेज करके कहना है, इसे गलती से नहीं मरने के लिए नहीं सोचना है, सुस्ते नहीं रहना है, ज़्यादा सोचने से दिमाग अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा सोचने से आदमी का दिमाग जो ये कमजोरी होता है, हम क्या करेगा क्या करेगा, हम कुछ नहीं कर सकता है, चोरी करेगा क्या क्या करेगा क्या, आदमी को मादर छीनेगा क्या, उससे झूठ बोलकर कहेगा क्या, इसे करने से शांति नहीं होगा, उसको कुछ भी इसे नहीं करना है, अपना सीधा आप जो भगवान को मानता है उसको भगवान को आपको प्रार्थना करो, आइए आबू जिसको आप रास्ता दिखा दो मेरा लिए, क्या करेगा हम रास्ता नहीं है, काम करने के लिए जगह नहीं है, आप देखा दो हम काम करने एक रास्ता देखा, काम करके मेरा पेट पालने के लिए, काम करके मेरा पिताजी मेरा फैमिली को देखने के लिए, इसे रास्ता देखो, इसे करके काम को आगे बढ़ना है, काम करना है, काम करने से आपका टेंशन नहीं होगा, काम नहीं करके गोर में बैठते रहेगा टेंशन होगा, इसलिए हम इतना बुरी है, मेरा उम्र इतना उम्र हो गया हम गोर में नहीं बैठता है, मेरा बच्चा लोग हमको गाली देते थे तुम बजर में बिछना लेकर सो ना, 9 बजे कोई 10 बजे कोई 11 बजे भजन बैठता है ऐसे बोलते हैं, हम लोग ये मैनेज जब बचपन से करके आदत जब उनसे आदत हो कष्टों को कष्ट नहीं सोचता है, इसे धूमधाम करके अभी आदमी लोग बोलता है हमको ये बुरी नहीं होता है इसे है बोलता है आदमी लोग ना देखने वाला बुरी नहीं होता इसे है बोलता है, हमसे कुछ भी नहीं है, इसे दिन रात काम बिजी होता है, लॉकडाउन होने से भी हम इसे काम करेगा नहीं सुएगा, लॉकडाउन होने से काम करेगा जो भी होने से बंद होने से जो होने से हम बेचने से नहीं सकता है, उसका मैनेज करके काम कर करके कहना है, अभी पहले बताए ये मैनेज करने से मैनेज का पोल मिलेगा, खराब करने से आपको चोरी करेगा तो ताना में कितना मार खाएगा बेटेगा, और आदमी को चिनेगा तो फिर पकड़ लेगा तो चोरी करेगा तो खराब हो जाएगा, इससे काम खराब काम नहीं करना है, सुस्त नहीं रहना है, गोर में का क्या करे क्या नहीं करेगा वो इसे बाहर में निकाल कर करने से काम है काम निकल जाएगा, यहाँ करने के लिए अवेलेबल क्या करेगा टाइम भी मालूम नहीं होगा, एक काम निकल उधर जाना है इधर करना है उधर जाना है निकलते जाएगा, बेटा बेटी लोग इसे काम करना है, जो भी काम का धंधा नहीं होने वाला चिंता मत करो, ऊपर वाला हाथ दिया पाँव दिया आंख दिया सब कुछ दिया, सिर्फ हम लोग हिलाना है चलना है हिलना है सोचना है, इसे होने से खाने पीने अवेलेबल होगा, किसी का टेंशन नहीं होगा, किसी का दार बाकी नहीं होगा, न दार करके आपको इंटरेस्ट लगा देगा फिर केस जमीला टेंशन, मेरा जीवन में हम एक पा चावल भी दार नहीं करते हम, मेरा से आदमी दार करता है, वो जबरदस्त मांगने से भी हम दे देता है, फिर हम दूसरा से लेने नहीं सकता है, हम देने जानता है लेने नहीं जानता, लेने से मांगने से नहीं देगा तो क्या करेगा, उसको मार पीट कर क्या करेगा, उसको सोच कर हमको बहुत आदमी तुगाता है, तुगाने से भी कुछ नहीं है, आपको ऊपर वाला उल्टा पाप देगा ना, हमको तुगाने से हम तो कुछ गुरु भी होगा नहीं, बुका प्याज नहीं मुरेगा, हम तो चलते रहेगा, और इसलिए आदमी को झूठ बोल कर नहीं कहना है,
मारपीट करके गए। अपना दोस्त को सबसे पहले अपना दोस्त को हिंकाबाजी नहीं करना है, जो हिंकाबाजी करके काम करने वाला ना अभी अच्छा होगा, आपका लास्ट में आप उसका पूर्ण मिलेगा। अब देखा देखा अब हम क्या किया था मालूम होगा। ऐसा आदमी को मिलकर जितना ऊपर वाला भगवान जो ऊपर वाला सब मिलकर पृथ्वी में जन्म दिया है, कितना साल रहेगा? 50 साल कोई 80 साल 70 साल सीखा तो जाना है। सब मिलकर बैठने समय में बादल वाला से आदमी को धमका धमकी नहीं करना है, और दूसरा को से छुपा छुपी चोर दुकाई नहीं करना है। अच्छा से चलो, हम तो इसलिए अभी भी हम बोलते हैं, हम रात को 12 बजे तक इधर घूमते हैं। आदमी बोलता है तुम दौड़ने लगता है ना? हम दौड़ने लगता है, हम सीधा आदमी है, हमको कौन कुछ नहीं करेगा, ऊपर वाला हमको साथ देगा, अब जिसो हमको प्रोटेक्शन करेगा, हमको कोई हम किसी से भी लेना देना नहीं है। हम झूठ बोलकर दुआ बजाने वाला नहीं है, हमको ऐसे मत बोलो, हम उसी से हम इसे दिन रात काम बिजी रहता है। बुरी इतना बुरी है, बुरी होने से भी काम का हम ये सुस्ती नहीं होता, आदत हो गया। और जैसे अभी आंटी ने बहुत आसान से कहा है, लेकिन आंटी का एक बात है कि जब आप फिजिकली फिट हो आप घर से बाहर निकलने से काम मिल जाएगा ना आंटी। सिर्फ आप नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना, आप लाइफ में आप कुछ भी चाहो तो आप कर सकते हो। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस, आप सबको भी आंटी का जो कहानी है वो सुनकर आप लोग भी इंस्पायर होंगे, और इसी तरीके से जो आंटी मेहनत करती आई है वैसे ही आप सब मेहनत करेंगे। एंड हमारे ओर से भी कोशिश जारी रहेगा कि हर संडे को हम इसी तरीके से इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आए। दो आम है लेकिन कहानी आम नहीं है। आखिर में आंटी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऐसे ही जितना लोग भी आपको अभी भी आप लोग को बहुत आई गेस पुराना लोग भी बहुत जानता होगा, एंड आई गेस जो भी ये देखेंगे आपसे इंस्पायर होगा, आपसे मोटिवेट होगा। आप जैसे बोला है इतना उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, तो आई गेस जो भी ये दर्शक देखेंगे आई गेस आप आंटी से इंस्पिरेशन लेंगे। जो भी करें, नो मैटर आप जो भी जॉब करो, आप एजुकेटेड हो ना हो, अगर आप पैशनेट हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। आंटी ने जैसा किया आप सब कर सकते हो, तो आंटी से इंस्पिरेशन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट संडे को आप सबसे। थैंक यू।